हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्टी स्टडी में स्वागत है। आज हम 18 अप्रैल के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे और देखते देखते आपको याद भी होगा कुछ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। याद करने के लिए याद रखिए दोस्तों कि एक हीम मिस क्या होता है, बर्फ, फील मिस महसूस करना। तो हम लोग महसूस कैसे करते हैं, एक साथ करते हैं। तो एक साथ महसूस करते हैं किसको, बर्फ को। बर्फ जब मान लीजिए बर्फ का कोई बर्फ का लस्सी पीते हैं तो एक साथ महसूस करते हैं, यानी बर्फ का हवा लेते हैं तो एक साथ। तो एक साथ से साथ एक साथ महसूस करते हैं किसको, एक साथ फील करते हैं चाहे महसूस करते हैं किसको, हिप मिस बर्फ को। याद रहेगा दोस्तों, अगर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की बात करें तो यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे फ्रैंक श्राबेल के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया था। यह वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 30वां संस्करण है, यह भी याद रखिएगा, 30वां संस्करण है। इसका थीम भी याद रखिएगा दोस्तों, थीम यह भी इसे पूछता है। तो इसका थीम है कि गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। याद रहेगा दोस्तों इतना। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। इतना याद रखिएगा दोस्तों। ये भी याद रखिएगा कि हीमोफीलिया जो रोग होता है ये अनुवांशिकी रोग होता है, अनुवांशिकी बीमारी होती है हीमोफीलिया, अनुवांशिकी बीमारी होती है हीमोफीलिया। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी से भरी धातु आयनों का पता लगाने में किसने एक नया सेंसर की खोज की है। तो ये की है सी एन एस का काम क्या होता है कि दोस्तों कि अगर पानी में सीसा पारा और कैडमियम मौजूद होता है तो उसको मौजूद होता है तो इसी की जानकारी देगा ये सेंसर कि इस पानी में सीसा पारा और कैडमियम मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर का अतिभार किसको सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया है पी के पुरवार है। आप इमेज में देख सकते हैं कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया है पी के पुरवार को। याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीन में होने वाले हांगझोऊ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है फेई फेई को 2022 हांगझोऊ एशिया पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर चुना गया है। यही फेई फेई है, ये पक्षी के आकार का है दोस्तों। फेई फेई दो बार आ रहा है ना। तो 2022 में होगा, ये भी याद रखिएगा कि 2022 में हांगझोऊ एशिया पैरालंपिक कहाँ होगा, चीन में। अगर इसकी बात करें तो ये चौथा एशियाई पैरा खेलों का आयोजन है। आइए 9 से 15 अक्टूबर तक होगा। आज इसे 22 खेलों में इसमें कितने खिलाड़ी थे, तो ये भी याद रखेगा कि इसमें 22 खेलों का आयोजन किया गया है। इसमें दो नए ऐड किए गए हैं, उनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। उनका नाम है कि ताइक्वांडो। एक हो गया, एक है पैरा केनोइंग
ये दो नए जोड़े गए हैं, पहली बार इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भ्रष्टाचार आरोपों के चलते IWF से किसे इस्तीफा दे दिया है, किसने इस्तीफा दे दिया है, IWF से किसने इस्तीफा दे दिया है, तो ये दे दिया है तामस ओजान ने, तामस ओजान ओजान। इस तरह याद रख सकते हैं दोस्तों कि अमिस होता है नहीं, अमिस नहीं, अजान मिस जान, इनमें जान नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सौरव गांगुली की बात करें तो सौरव गांगुली क्या है, BCCI के अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा कि BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली हैं। नेक्स्ट देते हैं 6 नंबर कि किसने महापसा अर्बन को ऑपरेटिंग बैंक ऑफ इंडिया गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो किसने किया है, किस बैंक ने, तो ये RBI बैंक ने किया है। याद रखिए कि RBI बैंक ने अर्बन को ऑपरेटिंग बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए वेबसाइट छत किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसको इस तरह से सकते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को लिखेंगे तो सी से स्टार्ट होगा। ये जो लॉन्च किया गया है सब्जी और फलों के होम डिलीवरी के लिए, तो इसको भी ये भी स्टार्ट हो रहा है सी से, ठीक, थोड़ा दिमाग में बैठा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है विश्वनाथन आनंद को इसको नया बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। 9 नंबर देखते हैं, BCCI ने COVID-19 के चलते IPL 2020 को कब तक निलंबित कर दिया है, 5 मई तक या 8 मई तक या अनिश्चित काल के लिए, कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है दोस्तों अनिश्चित काल के लिए। BCCI ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, इसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है, कोई डेट नहीं दिया गया है कि कब तक रहेगा। BCCI के अध्यक्ष की बात करें तो सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष है, और BCCI का मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई है, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में भी इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये हो गया है RV भूसकुट्टे। ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों, और बात करें तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, तो याद करने के लिए इससे याद कर सकते हैं दोस्तों कि जब भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था तो अंग्रेज़ों को खूब कूटे होंगे। किस पर कूटे होंगे, तो पृथ्वी पर कूटे होंगे, पृथ्वी पर ही तो आंदोलन होता है, तो इसी तरह याद रखें कि भू मतलब पृथ्वी, कूटे मतलब किसको कूटे होंगे, अंग्रेजों को, तो कौन मर गया है, तो भूसकुट्टे मर गए हैं, किस में भाग लेते, तो भारत छोड़ो आंदोलन, याद रहेगा नाम। धन्यवाद दोस्तों, अगर इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, धन्यवाद दोस्तों।